हेलो दोस्तों, आई लोग बनाए हैं वेज मंचूरियन, जो बनाने में दोस्तों बहुत आसान है और खाने में उतना ही लाजवाब है। तो दोस्तों आज लोग जो वेज मंचूरियन बनाने का सारे ट्रिक्स और सीक्रेट शेयर किया है। तो दोस्तों इस तरीके से बनाएंगे तो आपके जो मंचूरियन हैं बाज़ार से भी परफेक्ट आप इसको घर पर बना पाएंगे, वो भी आसानी से। हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और अंकित कुकिंग सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वेज मंचूरियन बनाने के लिए हम लोगों ने 1 kg पत्ता गोभी लिया है, तो इसको हम लोग साफ़ कर लेंगे। तो साफ करने के बाद दोस्तों काट लिया है और इसको हम लोग इस क्रशर मशीन पर अच्छे से क्रश कर लेंगे। तो दोस्तों जो क्रशर मशीन है मार्केट में आसानी से मिल भी जाता है, तो इसी पर हम लोग देखिए इतना बारीक दोस्तों हम लोगों को क्रश करना है। तो इसी तरह हम लोग जो सारे पत्ता गोभी हैं इसको इसी पर क्रश कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोगों का जो पत्ता गोभी है वो अच्छे से देखिए इतना बारीक कस लग कर लिया है, तो इसी में हम लोग थोड़ा सा नमक मिला करके 10 मिनट के लिए मिला करके छोड़ देंगे, ताकि जो इसका पानी है दोस्तों आसानी से निकल जाए। तो देखिए दोस्तों हम लोगों का जो पत्ता गोभी है वो पानी भी अलग हो गया, तो इसको हम लोग हल्के हाथ से थोड़ा सा गाड़ लेंगे। तो दोस्तों मार्केट में भी लोग इसी तरीके से करते हैं, और अगर हम लोग इसी में बनाएंगे तो जो हम लोगों का दोस्तों मंचूरियन है वो उतना परफेक्ट नहीं बनता है। तो देखिए हम लोगों ने सारा पानी को गाड़ लिया है। तो दोस्तों इसमें बाइंडिंग के लिए हम लोगों ने ये 2 चम्मच मैदा डाला है, और दोस्तों इसी में 2 चम्मच हम लोग कॉर्नफ्लावर डाला है। तो इसको डालने के बाद हम लोग इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो दोस्तों मिलाने के बाद इसी में हम लोग ये स्वाद अनुसार नमक को ऐड कर देंगे, और इसी में ये अदरक है तो बारीक हम लोग ने चॉप कर लिया था, इसको भी डाल देंगे, और 4 से 5 हम लोग कटी हुई हरी मिर्च है, और दोस्तों इसी में हम लोग 1 चम्मच एक काश्मीरी मिर्च है, इससे इसका जो दोस्तों कलर और टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा। तो थोड़ा सा बाइंडिंग कम है तो 2 चम्मच और हम लोगों ने मैदा डाल देंगे इसी में, और डालने के बाद दोस्तों इसको हम लोग अच्छे तरीके से मिला देंगे। तो दोस्तों हम लोगों को जो मैदा है वो ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि जो वेज मंचूरियन होता है उसमें जो दोस्तों ये मैदा कम ही पड़ता है, पत्ता गोभी ज़्यादा रहता है। तो देखिए इसका हम लोग छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों हम लोग इतना बड़ा बॉल बनाए हैं, आप चाहें थोड़ा बड़े भी बना सकते हैं। तो इसमें दोस्तों हमारे 25 से 30 बॉल बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हम लोगों ने इधर तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तो दोस्तों इसी में हम लोग एक एक करके जो मंचूरियन है उसको डाल देंगे। तो दोस्तों फ्राई करते समय जो फ्लेम है हाई ही रहेगा, तो जैसे ही दोस्तों हम लोग इसमें बॉल को डाल देंगे तो जो फ्लेम है उसको हम लोग मीडियम कर देंगे, ताकि जो हम लोगों का मंचूरियन है वो अंदर तक अच्छे से पके और बहुत ही क्रिस्पी बने। तो देखिए दोस्तों इसी में एक एक कर करके हम लोग सारे मंचूरियन को ऐड कर देंगे। तो दोस्तों इसको हम लोग डाल करके और इसको 5 मिनट बाद अच्छे से स्टेयर करेंगे। तो देखिए इसको चलाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये नीचे से तले में चिपके ना। और दोस्तों जो फ्लेम है इसका हम लोग मीडियम फ्लेम पर ही इसको बनाएंगे। तो आप इस तरीके से बनाएंगे दोस्तों तो बाज़ार से भी परफेक्ट आप घर पर बना पाएंगे, और इस ठंड में दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड भी है तो आप इसको घर पर ही बनाएँ। तो देखिए हम लोगों का जो बॉल है उस पर कलर भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से पका लेंगे, ताकि जो हम लोगों के मंचूरियन है वो अंदर तक बहुत ही क्रिस्पी बने। तो दोस्तों हम लोगों का जो मंचूरियन है बनकर तैयार हो चुका है, तो इसको हम लोग अब निकाल लेंगे। तो देखिए कितना परफेक्ट पका भी है। तो दोस्तों चलिए अब इसका हम लोग ड्राई बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कढ़ाई में 2 चम्मच और कुकिंग ऑयल को ऐड कर देंगे, और इसी में ये लहसुन अदरक को हम लोगों ने काट कर रखा था इसी में ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इसको हम लोग अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो दोस्तों आप चाहे तो चाइनीज़ बॉक में बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट बनेगा, लेकिन हम लोग कढ़ाई में ही बनाए हैं घर पर। तो दोस्तों इसी में हम लोग ये हरी प्याज है तो इसको भी डाल देंगे। तो डालने के बाद भून लेंगे, और इसी में 4 से 5 हम लोगों ने हरी मिर्च को काटा है तो उसको भी डाल देंगे, तो स्पाइसनेस के लिए दोस्तों। और इसी में हम लोग 2 गाजर को भी काट लिया था बारीक, इसको भी डाल देंगे।
तो दोस्तों इसमें जब सब्जियां जितना ही डालेंगे उतना ही जो इसका टेस्ट दोस्तों बढ़ता जाएगा। तो इसी में हम लोग डाल करके इसको भी भून लेंगे, और भूनने के बाद इसमें हम लोग शिमला मिर्च को भी डाल देंगे। तो दोस्तों शिमला मिर्च डालने के बाद भी इसको भी हम लोग भून लेंगे। दोस्तों इसको भूनना इतना है ताकि जो सब्जी का क्रिस्पनेस है वो भी बना रहे और इसमें से कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो इसमें हम लोग एक चम्मच एक टोमेटो केचप को डाल देंगे, और दोस्तों वाइट विनेगर है तो एक चम्मच इसको भी डाल देंगे, और एक चम्मच दोस्तों शेजवान चटनी है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही लाजवाब आएगा, और एक चम्मच डार्क सोया सॉस है दोस्तों तो इसको भी डाल देंगे। और डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिला देंगे और स्वाद अनुसार नमक को ऐड कर देंगे। तो दोस्तों इसको डालने के बाद अच्छे तरीके से हम लोग एक मिनट के लिए भून लेंगे और इसी में पानी को ऐड कर देंगे। तो पानी दोस्तों हम लोगों को थोड़ा ही ऐड करना है क्योंकि हम लोगों को वेज मंचूरियन ड्राई बनाना है। तो इसमें हम लोग अच्छे से उबाल आने देंगे, तब तक दोस्तों एक हम लोग घोल बना लेते हैं। तो इसमें हम लोग एक चम्मच अरारोट को डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से दोस्तों इसको हम लोग घोल लेंगे। तो इससे हम लोगों का जो वेज मंचूरियन है वो ड्राई हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए हम लोगों का जो अच्छे से बॉईल आ चुका है। तो दोस्तों इसको हम लोग चला करके और इसी में घोल डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे। जैसे ही दोस्तों इसमें घोल डालेंगे हम लोग, जो हम लोगों का ग्रेवी है वो थिक होना चालू हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का दोस्तों थिक हो चुका है। तो इसको हम लोग अच्छे से पकाने के बाद इसी में जो मंचूरियन के बाल हैं इसमें ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से मिला देंगे। तो देखिए है ना बनाना आसान, तो एक बार हमारे तरीके से आप ट्राई ज़रूर करिएगा। और इस बढ़ती ठंड में दोस्तों मार्केट में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको घर पर आसान तरीके से बना पाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से हम लोग इसको मिला देंगे। तो दोस्तों हम लोगों का जो ग्रेवी है देखिए ड्राई भी होना शुरू हो गया है, और देखिए कितना परफेक्ट बना है। तो एक बार हमारे तरीके से आप घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा, और बहुत आसानी से बन भी जाता है। तो दोस्तों हम लोगों का जो मंचूरियन है बनकर तैयार है, तो इसको हम लोग अब नीचे उतार लेंगे। तो देखिए हम लोग सर्व कर रहे हैं, देखिए कितना परफेक्ट बना है दोस्तों, और कितना ड्राई भी हो चुका है। तो आप इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बनाइए, आप चाहेंगे तो आप ग्रेवी वाला भी इसी तरीके से बना पाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, धन्यवाद।